औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल एसजेबी खाना खजाना में आप सबका स्वागत है। चलो आज हम एक बढ़िया रेसिपी बनाते हैं, शुरू अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो देखते हैं एक कैसे बनाते हैं मैंगो डिलाइट। शुरू करते हैं, देर ना करते हुए हम चलो शुरू करते हैं। नारियल का बुरादा, जितना ही मैंगो का प्यूरी लेंगे उतना ही नारियल का बुरादा लेंगे। मानो एक कप नारियल का बुरादा, एक कप मैंगो का प्यूरी। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। हमारे हम अपने घर में कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट बनाए हैं। आप चाहे तो वीडियो हमारा चैनल पर जाकर देख सकते हैं कैसे बनाते हैं। घर में बना हुआ चीज़ हमेशा अच्छी होती है बाज़ार से ख़रीद के लाने से। उसमें कुछ भी, उसका कोई चीज़ का भी प्रोटीन जो कहते हैं उसे उसमें नहीं रहता है। इसलिए अपने घर में बनाकर बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनता है। हम इसे थोड़ा सा लो फ्लेम में भून लेंगे नारियल को। पहले हम इसे इतना ही भूनेंगे, इसमें हम अब मैंगो का प्यूरी ऐड कर लेंगे। फिर इसमें हम 100 ग्राम जितना ही इसमें हम मिल्क मेट डालेंगे। ये हमारा होममेड मिल्क मेट है। इसे हम इस तरीके से मिला लेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से इसे पका लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप क्या इस तरीके से कभी बनाए हैं? आप कभी इस तरीके से बनाए हैं मैंगो डिलाइट? आप जब बनाए हैं बहुत ही अच्छी बात है, जब नहीं बनाए हैं हम ज़रूर इस तरीके से कभी बनाएंगे, खाएंगे तो पता चलेगा ये कितना मज़ेदार बनता है। एकदम थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका खुशबू बहुत इसमें अच्छा लगता है, इसलिए हम थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये हमारा पैन छोड़ने लगे, तब तक हम इसे चलाते हुए पकाएंगे करेंगे। मीडियम फ्लेम में इसे चलाते हुए पकाएंगे। ये हमारा हो गया अभी, और थोड़ा सा पैन छोड़ने लगे तो हम इसे निकाल कर दिखाते हैं। फिर क्या करते हैं दिखाते हैं। इसमें कोई भी घी का ज़रूरत नहीं है। जो नारियल में ऑयल होता है उसमें अपने आप बाहर आ जाता है। देखो कितना सुंदर इसमें ऑयल बाहर आ चुका है। ये हमारा हो गया है तैयार। हम इसे अब अलग से साइड चुका है, इसे हम अब अलग से प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। हम इसे ठंडा कर लेंगे। इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, फिर इसका हम लड्डू बनाते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, इसे हम इस तरीके से अच्छी तरीके से दबा दबा कर हम इसको इस तरीके से उसका लड्डू बना लेंगे, और नारियल का बुरादा में इसमें इस डिप करेंगे। नारियल का बुरादा में हम इसको डिप कर लेंगे। हम सारे मैंगो डिलाइट बना लेंगे, फिर दिखाते हैं। सारे नारियल का लड्डू को हम इसमें डिप करते जाएंगे। इस तरीके से हम उसके ऊपर कोटिंग कर लेंगे।
देखो कितना सुंदर बन गया है। देखो हमारा ये मैंगो डिलाइट कितना सुंदर बन गया है। आप ज़रूर एक बार इस तरीके से बनाएंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाल्लाह। हम इसे पैक करके एयरपैक डब्बों में एक हफ्ता रख के खा सकते हैं फ्रीज में।